आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के सोनझौली प्रखंड अंतर्गत गांव कोनी में उपस्थित हूं। जैसा कि बिजली से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होते रहता है, इसको मद्देनजर रखते हुए बिजली विभाग ने अपनी तैयारी पूरी तरह कर रही है और जगह जगह पर जहाँ भी कोई भी फॉल्ट हो, जैसे पोल गड़ना या फिर तार बदलना, वो काम प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो रहा है। जैसे कि सोनझौली में भी इसका काम हो चुका है, इसके बाद सोनझौली के अलावा गांव कोनी में भी इसका काम चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस पर ग्रामीणों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। आज आपके गांव कोनी में बिजली का कुछ काम हुआ है? हाँ हाँ, बहुत हुआ है, आधा घंटा से ऊपर का हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? काली माई से लेकर ट्रांसफार्मर तक नया चेंज हुआ है तार। अच्छा, कवर वाला। कवर वाला, और इससे पहले कैसा तार था? लंगा तार था। उससे मतलब आने दुर्घटना भी होता था? बहुत, ट्रक बस सब मरता था, तार टूट जाता था। और इस समय कैसी स्थिति? इस समय का अब ठीक हो गया, अब कुछ कोई घटना नहीं होगा। और यहाँ पर पोल भी गाड़ा गया है ना? पोल तो हाँ, पोल तो पहले ही से गाड़ा हुआ था। अच्छा, उसमें मतलब नया तार को लगा करके विधि पूर्वक उसमें तार ज्वाइंट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, और गांव में बाकी है बहुत सा पोल, वो भी होना चाहिए। गांव में किसी तार टूट कर गिर पड़ेगा तो आदमी का खतरा हो जाएगा। बिजली विभाग आई पुनः हरकत में। बिजली विभाग द्वारा बरसात आने से पहले तारों को बदलने का काम आरंभ। रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के संजौली प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों के गांवों में बिजली विभाग के द्वारा बरसात आने से पहले मरम्मत का काम पूरे जोर शोर पर चल रहा है। इसमें नया पोल गाड़कर और नया बिजली का कुभर वाला तार भी लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ तार ढीला नजर आ रहा है उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। आगे आपको बताते चले कि आज कोनी गांव में ट्रांसफार्मर से लेकर काली माई तक नया कुभर वाला तार लगाया गया और जो भी कमियां थी उसे भी दूर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना न घट सके। बिजली विभाग के इस कार्य से ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं।